अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय चैनल लेटेस्ट फैशन ब्यूटी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगी आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खैरियत से रखे, आमीन। वीडियो में आज मैं वुमेन के लिए स्नेकर्स जो हैं उनका कलेक्शन कलेक्ट करके लाई हूँ। डिफरेंट खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी कलर्स और डिज़ाइंस में जो है ये मौजूद कलेक्शन है, जो कि वुमेन स्नेकर्स का है। स्नेकर्स का फैशन जो है फॉर एवर ट्रेंडी रहता है, क्योंकि वो हर किस्म की ड्रेसिंग के साथ स्नेकर्स जो हैं वो पहनने में बहुत ही गुड लुकिंग जो है वो दिखाई देते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में नियर अबाउट 50+ इमेजेस जो हैं वो मौजूद हैं, नियर अबाउट 50, और सभी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट और डिज़ाइंस पर मुश्तमिल हैं, जिनमें खूबसूरत जो है वो लाइट कलर्स पर मल्टी शेड्स की एम्ब्रॉयडरी मौजूद है। उसके अलावा डिफरेंट शेड्स और कलर्स को इस्तेमाल करके जो है वो इन्हें खूबसूरत अंदाज में डिज़ाइन जो है वो किया गया है। वीडियो में मज़ीद बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, तो काइंडली सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड न्यू अपडेट्स से और लेटेस्ट फैशन ब्यूटी पर आने वाले हर नए फैशन से आप आगाह रह सकें। अगर आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपके दिल से मशकूर हूँ। आप मेरे चैनल पर मौजूद वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक करें। वुमेन के लिए जो है, गर्ल्स के लिए जो कि यूनिवर्सिटीज लेवल की टीनेज गर्ल्स और ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफिशियल वर्किंग प्लेसेस पे जो है वो शूज़ जो कंफर्टेबल जो वॉकिंग डिस्टेंस पे जाती हैं जो है उस किस्म की फीमेल जो है वो इस किस्म के कलेक्शन को पसंद करती हैं, इस किस्म के शूज़ को प्रेफर करती हैं, क्योंकि ये वॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत कम्फर्टेबल होते हैं। उसके अलावा इस जो है इंसान जो है ख़ुद को बहुत लाइट वेट महसूस करता है, कंफर्टेबल महसूस होता है, क्योंकि इसकी फिटिंग जो है वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में की हुई होती है। मैं उम्मीद करूँगी ये कलेक्शन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।